एक ना एक बार हर किसी ने उड़ने वाली गाड़ियों का ख्वाब जरूर देखा होता है। बट क्या फाइनली ये ख्वाब हकीकत बन गया? अक्टूबर 11 को एक चाइनीज कंपनी ने दुबई स्काई डाइव में अपनी फ्लाइंग कार की पहली पब्लिक टेस्ट फ्लाइट करी। एक तरह से ये इतना बड़ा ड्रोन जो दो लोगों को लेकर उड़ सकता है, पूरी तरह इलेक्ट्रिक है, इसलिए नो कार्बन एमिशन। बट इलेक्ट्रिक यानी बैटरी, जो इसको 130 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड तक तो ले जाती है मगर चलती सिर्फ 35 मिनट है। आपने घर से थोड़ी दूर ऑफिस जाना हो तो सुबह के ट्रैफिक बचने के लिए हाथ से तो कारगर है। बट इसका सबसे जबरदस्त फीचर है ऑटोनमस फ्लाइंग, यानी इसको दादी माँ भी उड़ा सकती है क्योंकि इसके टेक ऑफ फ्लाइट और लैंडिंग ऑपरेशन कुछ ही बटन से कंट्रोल होते हैं। वैसे आपके मेरे जैसों के लिए मैनुअल मोड भी है। वैसे तो हम उड़ने वाली गाड़ियों और यहाँ तक कि मोटरसाइकिल्स तक के भी काफी नजदीक आ गए हैं, बट इनको स्टोर्स में जाके खरीदने में भी कुछ साल और बाकी है। बड़े इस वाले में टायर दो हैं, तो ये फ्लाइंग कार तो कम हुई मगर एक बड़ा ड्रोन ज्यादा। बट कहते हैं इस कंपनी की सिक्स्थ जनरेशन या जो अगली गाड़ी है वो जमीन और हवा दोनों पे चलेगी। फिलहाल आप उंगली चला लो हमारे सब्सक्राइब बटन।